में करौली के निजी बस स्टैंड पर टॉयलेट नहीं होने की वजह से बाहर से आने जाने वाली महिलाओं को व पुरुषों को टॉयलेट जाने की होती है परेशानी। क्यों तोड़ दिया गया है इनको जी? क्या है कि बढ़िया फर्स्ट क्लास बना थे और लेडीज वगैरह सारी आती थी वगैरह, लेकिन अचानक ही जो है वो जी सी ब्लॉक ने तो भाई क्या तोड़े गए साहब, ऑर्डर है हमारे पास। अभी इसको तोड़ने से क्या क्या समस्या आ रही है यहाँ पे जी? एक तो लेडीज को बहुत परेशान है, बाथरूम करने का बिल्कुल ही कुछ वो नहीं है, बहुत बेअदबी से मान लो कहीं की बाहर की कोई आमे इतना परेशान के बड़ी भारी। अब क्या है कि लोग बाग आज जेंट्स भी यहीं पेशाब करें, लेडीज भी यहीं करें, कर मजबूरी है, क्या करें। और कितने समय पहले बना था ये? करीब ज्यादा एक डेढ़ साल हुई होगी। डेढ़ साल हो गए। और तोड़े हुए कितने दिन हो गए? 4 महीने हुए। कंप्लेंट थी कि या जो लेडीज वगैरह आती है ना उनको ले या छेड़ने करने की वजह से लोग यहाँ जो बगल वाले थे बस वाले थे इनकी ये कंप्लेंट थी एक्चुअल बात। लोगों ने क्या लिखित में शिकायत दी थी आप लोगों को? नहीं, बरवली में। आपने बर्बरी बात को ही कैसे माना? आज महिलाएं खुले में टॉयलेट जाती है तो कितनी समस्याएं आती है महिलाओं को? नहीं, महिलाओं की शिकायत थी, महिलाओं जाती उसमें आदमी घुस जाते थे, ये सबसे बड़ी कंप्लेंट थी। अभी आप लोगों ने क्या सोचा है कि यहाँ पे टॉयलेट वगैरह दोबारा बनाए जाएंगे? बनाएंगे, बनाएंगे ना। अभी ये टॉयलेट आप दोबारा कब तक बनवाने की कोशिश करोगे? जब आप यहाँ पे बसों से पर्ची का कलेक्शन करते हो, पैसे लेते हो, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ पे टॉयलेट नहीं है तो उस पैसे का क्या किया जाए? टॉयलेट क्यों नहीं है यहाँ पे? हमने कहा था साहब आयोग साहब से, बना हुआ ये तोड़वा दिया था उन्होंने। हमारा समुदाय नगर परिषद आयुक्त से मांग करता है कि वहाँ पे टॉयलेटों का निर्माण कराया जाए, जिसमें नगर परिषद आयुक्त का नंबर है 0744-62020-037। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।